साढ़े छः रहीम लाख दुरूद व सलाम हो कायनात के सरदार सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये है सब्जी मंडी इस्लामाबाद की टमाटर मार्केट के लिए नीलामी हो चुकी है। इसके बाद भी इक्का दुक्का गाड़ी आने वाली है, क्या रेट चलते वो तो बात की बात है। इस वक्त तक जो रेट चले यही आपके साथ शेयर करेंगे। आज सब्जी मंडी इस्लामाबाद में जो रेट चला है तो यही आपके साथ शेयर। तो जी मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में लगभग तकरीबन 34 गाड़ी आती, 34 ट्रेले। एक ट्रेले में तकरीबन 1600 से लेकर 1800 तक ये जालियां आती है और एक जाली में वज़न है तकरीबन 18 किलो से लेकर 20-21 किलो तक। और आज इंटरनेशनल मंडी में तकरीबन रेट चल रहा है मैक्सिमम मिनिमम 650 से लेकर 750 रुपये तक तो आम चल रहा था, कहीं कहीं इससे भी नीचे जा रहा था, लेकिन कुछ ख़ास मार्के काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए और वो हमेशा ऊपर जाते हैं। खुसूसन इसमें जो नाम ब्रांड चलता है वो ताज मार्का है, वो आज भी काफ़ी महंगा बिका, बाकी टमाटर काफ़ी सस्ते बिके। तकरीबन 600 से लेकर 750 तक आम रेट चल रहा था, 600 साढ़े 600 वो तो हमने आपको सुनाई भी, कहीं कहीं 750, कहीं कहीं 700 भी चल रहा था, लेकिन ब्रांड काफ़ी महंगे बिके हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ताज मार्के के बारे में आपको बताएं तो आज जो ताज मार्का तकरीबन बिका है 750 से लेकर 850 और 800 तक भी गया है और 800 से ऊपर भी गया है, लेकिन आम रेट उसका भी यही चल रहा था। मार्केट कल अड़ताल है और अड़ताल की वजह से मार्केट के मज़ीद डाउन होने का ख़तरा है। मोहतरम दोस्तों, आज तकरीबन 20-30 रुपये मार्केट कल से ऊपर था और अच्छे मार्के महंगे बिके। तकरीबन एक दो मार्के मसलन लाजवाब ताज ये महंगे बिके, आम जो रेट चल रहा था वो 600 साढ़े 600 700 रुपये तक, और अच्छे टमाटर 800 और 800 से काफ़ी ऊपर भी चले गए। इक्का दुक्का लाठ ऊपर भी गया है और वो उनका वज़न उनके टमाटर काफ़ी बेहतरीन होते हैं। मोहतरम दोस्तों, इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में अगर आप रात को सौदा लेते हैं टमाटर या सब्ज़ियाँ होल सेल पर, आपको एक बात ये याद रखनी चाहिए कि यहाँ छोटे लाठ नहीं मिलते या एक या दो दाने जालियाँ नहीं मिलती, आपने पूरा लाठ ख़रीदना है। जैसे इस भाई ने ख़रीदा है, ये देखिए आप, इसके साथ तकरीबन 30-40-45 पूरा लाठ लगा है और ये इसकी चांटी कर ऐसे उधर भी लगे हैं, ये पूरी पूरी लाठ है। इस वक्त आपको ये पूरा लाठ ख़रीदना पड़ता है, एक दो जाली अगर आपने लेनी है वो सुबह आपको मिलेंगी। तो अगर आप रात को यहाँ खरीदारी करते हैं तो इसके साथ आपको टिक्सेस देने पड़ते हैं, जिसको आम जुबान में कमीशन बोलते हैं। यूं यहाँ की चीज़ आपके दुकान, आपके दहलीज, आपके घर तक पहुँचते काफ़ी महंगी हो जाती है। पेट्रोल और मुल्क की सूरत हाल के रोज़ाना ख़राब होने की वजह से कल रात भी पेट्रोल 8-10 रुपये 14 रुपये कुछ बढ़ गया है, जिसकी वजह से किरायों के मद में मज़ीद इजाफा हुआ है। तो ये जो जाली अगर आप यहाँ को यहाँ लेंगे पर्स करो 600 रुपये की, तो ये तकरीबन आपके स्टाल आपकी दुकानों तक पहुँचते 650-700 रुपये तक हो जाती है। यूं वो अपनी मजदूरी भी डालते हैं तो मज़ीद महंगी हो जाती है, और अगर इस मंडी से किसी और मंडी में माल चला जाता है तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ भी इनसे टैक्सेस काटे जाते हैं, जिसको आम जुबान में कमीशन बोलते हैं, तो डबल अखराजात उन पर आ जाते हैं। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ रेट आपको देंगे कि 6 साढ़े 6 7 साढ़े 7, तो वो आपको गुजरखान या पिंडी गैप या इन दूर दराज डेंगा सियालकोट इन इलाकों में पहुँचते वो 8 साढ़े 8 तक चली जाती है। तो ये ज़रूर आप जहन में रखिए, ये रेट इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद के है और रात के तकरीबन इस वक्त है 12 बजे, ठीक है, 12 बजे तक का रेट है। नीलामी कहीं कहीं जारी भी है, हो सकता है कि मज़ीद टमाटर कुछ महंगे हो जाए नीलामी की वजह से। ख़ासकर बड़ा मसला है ये कल का 2 सितंबर को बहुत बड़ा हड़ताल पहिया जाम, जिसकी वजह से मुमकिन है कि कल मार्केट में टमाटर ना पहुँच सके या हो सकता है ज़्यादा आए। तो सूरत हाल दरहम बरहम है, कशमकश में मुब्तला है सूरत हाल, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पर अल्लाह रहम फरमाए। खुसूसी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।